कामिका एकादशी व्रत 30 या 31 जुलाई 2024 व्रत कब रखें, पारण का सही समय नोट कर लें सही डेट। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सावन में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर महीने के दोनों पक्षों की एकादशी खास होती है, लेकिन कामिका एकादशी सावन में पड़ने के कारण अधिक शुभ मानी जाती है। यह श्रावण माह की पहली एकादशी भी है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य और सात पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं साल 2024 कामिका एकादशी व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। कामिका एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई सायंकाल 4:44 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई सायंकाल 3:55 पर। पारण का समय होगा 1 अगस्त प्रातःकाल 5:43 से प्रातःकाल 8:24। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा सायंकाल 3:28। कामिका एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। शास्त्रों के अनुसार दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं, अफल फूल तिल दूध पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर करें। कामिका एकादशी क्या करें क्या ना करें। एकादशी नियम अनुसार कामिका एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन लहसुन प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना वर्जित माना गया है। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है। कामिका एकादशी पर जरूरतमंदों को छाता का दान करना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।